नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का पीएस पावर के आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट्स के कनेक्शन क्या क्या होते हैं उनके कलर कोड के बारे में देखेंगे उसके बाद हम लोग कनेक्शन के प्रिकॉशंस के बारे में देखेंगे क्या क्या ऐसी चीज़ें होती है जिनमें आपको काफ़ी प्रिसाइजली और केयरफुली काम करना होता है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग मोटर के कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हब मोटर्स काफ़ी ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल बाइसिकल में जैसे कि यहाँ पर हमें कुछ वायर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि मोटर से बाहर आ चुके हैं इन वायर्स में आपको दो बंच दिखाई देंगे एक बंच आपका फेज़ वायर का होता है और दूसरा आपका हॉल सेंसर वायर्स का होता है फेज़ वायर में अगर आप देखेंगे तो इसका जो कलर कोड होता है ये काफ़ी स्टैंडर्ड होता है किसी भी बी मोटर में अगर आप देखोगे तो आपको यही कलर कोड देखने को मिलेगा जैसे कि ग्रीन येल्लो और ब्लू उसी के साथ जो हॉल सेंसर के वायर्स होते हैं इसमें आपको पाँच बंच दिखाई देगा जो काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है उसमें भी आपको रेड ब्लैक ग्रीन ब्लू और येल्लो तो इस तरह से ये हब मोटर का हमारा वायर का कनेक्शन था कभी कभी क्या होता है कुछ लोगों को इसमें एक सवाल आता है जैसे कि हब मोटर्स में अगर आप देखोगे तो उसमें भी थ्री फेज वायर्स होते हैं जैसे कि यहाँ पर जो उसका कलर कोड है भले ही ये अलग है बट नॉर्मली लोगों को सवाल ये आता है कि जो इंडक्शन्स मोटर्स होते हैं जो हमारे रेगुलर मोटर्स होते हैं थ्री फेज मोटर्स उनमें जो कलर कोड होता है ये अलग होता है और इसमें अलग होता है ऐसा क्यों एक्चुअली इसमें फ़र्क ये है दोस्तों कि वहाँ पे जो करंट का जो टाइप होता है जो नेचर होता है करंट का ये एसी करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट होता है और उस मोटर का एप्लीकेशन भी डिफरेंट होता है और ये एक्चुअली जो मोटर होता है ये डीसी टाइप में आता है डीसी मोटर के टाइप में आता है इसलिए इसका जो कलर कोड होता है ये अलग होता है जिसे स्टैंडर्ड कलर कोड बोलते हैं कहीं पर भी अगर आप जाएंगे तो थ्री फेज के लिए आपको आर वाई बी यानी कि रेड येल्लो ब्ल्यू और डी सी मोटर्स के लिए आपको ब्लू येल्लो और ग्रीन ऐसे ही कलर कोड देखने को मिलेंगे अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी बात करते हैं कंट्रोलर कनेक्शन के बारे में देखिए दोस्तों कंट्रोलर से काफ़ी सारे वायर्स उसमें से बाहर आते हैं तो उनको थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है कभी कभी क्या होता है कि कंट्रोलर्स के जो वायर्स होते हैं जो वायर्स उनके कॉमन कलर कोड होते हैं वो भी कभी कभी अलग अलग कंट्रोलर्स में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो कि जो थ्रॉटल का कनेक्शन होता है ये कभी कभी किसी कंट्रोलर्स में रेड ग्रीन ब्लैक इस तरह से कॉम्बिनेशन में होता है या किसी कंट्रोलर में आपका रेड वाइट और ब्लैक इस तरह के कनेक्शन में होता है इसलिए ये थोड़ा कन्फ्यूज़ कर देता है किसी को भी एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो साइनवेव कंट्रोलर्स होते हैं या जो स्कूटर्स में या मोटरसाइकिल में कंट्रोलर्स यूज़ किए जाते हैं उनमें आपको ये थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा अगर आप ई e बाइक कंट्रोलर्स को देखेंगे तो उनमें आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा अभी हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं कि हर एक वायर में क्या क्या आपको फंक्शन मिलते हैं क्या क्या आप उसमें से कर सकते हो सबसे पहला जो हमारा वायर है यह हमारा की लॉक सिस्टम का वायर है इसे आप एक्टिवेशन वायर भी बोल सकते हैं इस वायर का मेन काम होता है आपके कंट्रोलर को एक्टिवेट करना पूरे सिस्टम में ये वायर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि समझ लीजिए अगर आपने पूरा कंट्रोलर का कनेक्शन कर भी दिया हो अगर आपने ये वायर को नहीं ज्वाइन किया है तो आपका पूरा सिस्टम चलेगा ही नहीं आपका कंट्रोलर एक्टिवेट होगा ही नहीं इस वायर का कनेक्शन काफ़ी आसान होता है बस आपको इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्शन करना होता है कनेक्शन के बाद आपका कंट्रोलर डायरेक्ट एक्टिवेट हो जाएगा बट इसमें और एक कनेक्शन आप कर सकते हो बैटरी के पॉजिटिव और इस वायर के बीच में आप कोई भी की स्विच डाल सकते हो जिससे आप की को ऑन भी रख सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो भले ही आपने बैटरी का कनेक्शन किया हो दूसरा जो वायर है हमारा बैटरी का प्लस माइनस है इसमें से प्लस आपके बैटरी को प्लस को जाएगा और माइनस माइनस को जाएगा तीसरा जो हमारा वायर का बंच है ये हमारा थ्री पेज वायर का बंच है इसमें जो आपका कलर कोड होगा ये भी मोटर के कलर कोड के समान होगा बस आपको कलर टू कलर मैच करके इसको कनेक्शन कर देना है चौथा वायर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक होता है हमारा ब्रेक लीवर होता है इसमें से एक स्विच का वायर निकलता है जिसमें दो वायर्स होते हैं ऐसे ही ब्रेक लीवर्स आपको लेफ़्ट और राइट right के लिए मिलेंगे उन्हीं दो ब्रेक लीवर्स में से आपको दो दो वायर का बंच मिलेगा आपको अगर इसको कनेक्ट करना है इसी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक वायर के साथ तो आपको क्या करना होगा उन दोनों स्विच को पैरेलली कनेक्ट करना होगा और उसी पैरेलल कनेक्शन को आपको ई ब्रेक वायर के साथ कनेक्ट करना है इसके बाद का जो वायर है इसे हम लोग इंटेलिजेंट रिकग्नेशन वायर बोलते हैं और इसे आप ऑटो लर्निंग वायर भी बोल सकते हैं ये भी वायर पूरे कनेक्शन में से काफ़ी इंपॉर्टेंट वायर होता है इस वायर का, का काम एक्चुअली यह होता है कि ये कंट्रोलर को वापस रीप्रोग्राम कर देता है मान लीजिए कि आपने पूरा कनेक्शन कर दिया है और कनेक्शन करने के बाद भी आपका जो मोटर है ये स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे आप इस वायर का इस्तेमाल कर सकते हो इस वायर को सिर्फ आपको शॉर्ट करना है पाँच सेकेंड के लिए तो उसके बाद क्या होगा आपका कंट्रोलर है ये रीप्रोग्राम हो जाएगा और आपका जो कंट्रोलर है ये एक्टिवेट हो जाएगा कुछ केसेस में क्या होता है दोस्तों कि जब भी आप हब मोटर को माउंट कर देते हो पूरा कनेक्शन कर देते हो और थ्रोटल देते हो तो आपका हब मोटर होता है ये रिवर्स डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देता है तो इस प्रॉब्लम को भी यही वायर सॉल्व कर देती है जो हमारा ऑटो लर्निंग का फीचर होता है इसमें आपको क्या करना है इस वायर को फिर से शॉर्ट करना होता है पाँच सेकेंड के लिए और उसके बाद आपको इस वायर को निकाल देना है ध्यान दीजिए इस वायर को निकाल देना है निकालने के बाद आपका कंट्रोलर फिर से प्रोग्राम हो जाएगा और फिर से आपकी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगी तो यह हमारा इंटेलिजेंट रिकग्निशन का वायर है काफ़ी इंपॉर्टेंट वायर है इसको आपको ध्यान रखना है इसके बाद का जो वायर है यह हमारा थ्री स्पीड मोड का वायर है इस वायर के कारण आप स्पीड को कंट्रोल कर पाते हो इसमें आपको तीन रेंज मिल जाते हैं लो मीडियम हाई जिससे आप बाइसिकल को तीनों रेंज में कंट्रोल कर पाते हो इसका कनेक्शन आप डी स्विच के साथ कर सकते हो उसके बाद हमारा जो कनेक्शन है ये रिवर्स फंक्शन का कनेक्शन है एक्चुअली रिवर्स फंक्शन का जो कनेक्शन होता है ये इलेक्ट्रिकल बाइसिकल के कंट्रोलर्स में ज्यादा नहीं होता है ये एक्चुअली हैवी व्हीकल्स में दिया जाता है जैसे स्कूटर होगा या मोटरसाइकिल होगा इन दोनों वायर को शॉर्ट करने पर आपका जो रिवर्स का फंक्शन है ये एक्टिवेट हो जाता है इसे ऑपरेशन में लाने के लिए आप किसी भी स्विच का इस्तेमाल कर सकते हो जो हमारा रेगुलर स्विच आता है ऑन ऑफ करने वाला उसको भी आप हैंडल पर माउंट करके इसका इस्तेमाल कर सकते हो इसके आगे हमारा क्रूज मोड का वायर आता है इस वायर के कारण हमें एक यूनिक फीचर मिल जाता है इस फीचर को अगर हमें एक्टिवेट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा आपको थ्रोटोल को एक्सलरेट करना होगा एक्सलरेशन आप फुल करिए या हाफ कर दीजिए हाफ एक्सेलरेशन करेंगे तभी उसी समय आपको ये दोनों वायर्स को शॉर्ट कर देना है ये क्या करता है उस टाइम का जो आपका स्पीड होगा बाइसिकल का उसको लॉक कर देगा ताकि आपको बार बार एक्सलरेट करने की जरूरत नहीं है जब भी आप थ्रोटल देखे काफ़ी बोर हो चुके हैं या आपका हाथ दुखने लग गया या आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं तो आपको क्या करना है बस ये क्रूज़ मोड को एक्टिवेट कर देना है आपकी साइकिल या आपका व्हीकल कॉन्स्टेंट स्पीड से आगे चलता रहेगा इसके बाद के हमारे दो वायर्स है एक में लो वोल्टेज ब्रेक वायर है और दूसरा हाई वोल्टेज ब्रेक वायर है दोस्तों इन दोनों वायर्स के फीचर के बारे में मैं ज्यादा श्योर नहीं हूँ बट जैसे ही मुझे इसका आंसर मिल जाता है मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा इसके बाद के जो हमारे वायर से ये एंटी थेप सिस्टम्स के वायर है इसके पहला जो वायर है ये हमारा एंटी थेप का अलर्ट सिग्नल का वायर है और दूसरा वाला पावर सिग्नल का वायर है इस फीचर को अगर हमें यूज करना है तो इसके लिए अलग से एक डिवाइस आता है एंटी थेप सिस्टम इस डिवाइस का कनेक्शन आप इन वायरों के साथ कलर टू कलर कर सकते हैं कभी कभी डिवाइस में क्या होता है कि जो कलर कोड होता है ये डिफरेंट होता है बट इसमें आपको दो बंच दिखेंगे एक बंच होगा आपके पावर कनेक्शन के लिए और दूसरा बंच होगा आपका अलर्ट सिग्नल के लिए दिया है इसके बाद हमारा ये थ्रोटल का वायर है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो कलर कोड है वो स्टैंडर्ड कलर कोड है जैसे कि ग्रीन रेड और ब्लैक और इसके बाद आपका हॉल सेंसर का वायर है जो भी एक बंच में आता है कंट्रोलर में बस आपको मोटर के हॉल सेंसर के बंच के साथ इसको कलर टू कलर कनेक्शन करना है और सबसे लास्ट वाला वायर यह हमारा स्पीडोमीटर का वायर है जो आपको बाइसिकल का स्पीड डिजिटली कैलिब्रेशन करके दिखाएगा कोई भी डिजिटल मीटर आप लेंगे तो उसका कनेक्शन आपको इस वायर के साथ करना है तो दोस्तों इस तरह से अभी हमने कंट्रोलर्स के कनेक्शन के बारे में और उनके फीचर्स के बारे में काफ़ी हद तक समझ लिया है और एक चीज़ को मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंट्रोलर्स के जो फीचर्स होते हैं ये वैरी होते रहते हैं कंट्रोलर टू कंट्रोलर अलग कंट्रोलर के हिसाब से अलग अलग फीचर्स आते हैं किसी कंट्रोलर में कुछ फीचर्स होते हैं और किसी कंट्रोलर में कुछ नहीं इसलिए कंट्रोलर का सिलेक्शन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करें अभी बढ़ते आगे अभी हम बाकी के कंट्रोलर के कनेक्शन के बारे में देखते हैं जैसे आगे हमारा ये थ्रोटल का कनेक्शन है थ्रोटल के कनेक्शन में आपको हमेशा तीन वायर का कनेक्शन मिलेगा उसमें आपको ग्रीन रेड और ब्लैक इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलेगा अदरवाइज इसमें थोड़ा सा चेंजेस होते हैं इसके बाद का हमारा जो कॉम्पोनेंट है ये हमारा पैडलासिस सेंसर है इसके कलर कॉम्बिनेशन में कुछ वेरिएशन होते हैं इनमें आपको तीन बंच में वायर देखने को मिलेंगे जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो आपको ऐसे तीन कॉम्बिनेशन में पैडालसिस सेंसर का कनेक्शन देखने को मिलेगा इसमें आपको सेम वही करना है कंट्रोलर के कनेक्शन के साथ इसको जोड़ देना है पैडलशिश के फंक्शन के बारे में हमने पहले से ही बात की है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिए उसमें सारे कंपोनेंट्स के फंक्शन के बारे में मैंने बात की है उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अगर आप चाहें तो ऊपर आई बटन को भी क्लिक कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं आगे है हमारा एंटीटेप डिवाइस जिसमें आपको कुछ पंच ऑफ वायर्स दिखाई देंगे जिसमें तीन का एक ग्रुप होगा और एक दो का ग्रुप होगा जो तीन का ग्रुप है ये दोस्तों आपका सिग्नल वायर होते हैं और जो दो का ग्रुप होता है ये उसके पावर सप्लाई का वायर होता है एंटीथेप को आप रिमोटली ऑपरेट कर सकते हो कोई भी अगर आपके साइकिल के साथ या इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ छेड़खानी करता है तो वो बहुत ज़ोर से बजने लग जाता है इस डिवाइस के साथ एक रिमोट कंट्रोल भी आता है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो अगर आपको इलेक्ट्रिकल बाइसिकल को या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को विदाउट की स्विच का इस्तेमाल करके ऑन ऑफ़ करना है तो आप इस रिमोट से कर सकते हो इसके बाद हमारे इलेक्ट्रिकल ब्रेक लीवर्स आते हैं जिसको मैंने पहले से ही बताया था कि इसके अंदर आपको स्विचेस मिलेंगे ये स्विचेस बेसिकली नॉर्मली क्लोज स्विच होता है जब भी आप ब्रेक को अप्लाई कर हैं तो नॉर्मली ये ओपन हो जाता है और आपका जो पावर सप्लाई होता है ये कट ऑफ हो जाता है तो इसी के साथ ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स थे जिनके कनेक्शन के बारे में हमने जानकारी ली है इसके बाद कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि आपका हेडलाइट होगा या हॉर्न होगा या एल इंडिकेटर्स होंगे ऐसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो एडिशनल में गिने जाते हैं इसका कनेक्शन आप स्विचेस से कर सकते हो कभी कभी क्या होता है कि हेडलाइट के लिए और हॉर्न के लिए आपको एक अलग से कन्वर्टर लेने की ज़रूरत पड़ जाती है जिसे हम लोग डीसी टू डीसी सी कन्वर्टर बोलते हैं तो उसका भी कनेक्शन आप कर सकते हो तो इसी यूज करके भी कनेक्शन किया जा सकता है तो इस तरह से हमने सारे कंपोनेंट्स के कनेक्शन के बारे में जानकारी ले ली है अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कनेक्शन करते वक्त आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं शुरुआत आपकी मोटर से होगी मोटर में आपको ध्यान देना है कि कभी भी हॉल सेंसर के वायर का कनेक्शन करते वक्त जब भी आप प्लग को जॉइंट करोगे तो उसमें जो पिनस होते हैं ये कभी कभी बाहर निकल आ जाते हैं तो ऐसे वक्त में पिन को आपको रिपोजिशन करके फिट करके बिठा देना चाहिए उसी में कभी कभी क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ल्ट भी आता है हॉल सेंसर का कनेक्शन आप जब भी कर देते हो कलर टू कलर कनेक्शन करने पे भी आपका हब मोटर वाइब्रेट करने लगता है इसमें हमें बहुत सारा कॉम्बिनेशन करना पड़ता है कलर को मैच करना पड़ता है जो कि काफ़ी लेंदी प्रोसीजर होता है इसका सॉल्यूशन एक ही होता है कि आपका जो इंटेलिजेंट रिकग्नेशन का वायर होता है उसको आपको फिर से शॉर्ट करना होता है जिसके कारण आपका जो कंट्रोलर है ये फिर से प्रोग्राम हो जाए तो यही कुछ कनेक्शन होते हैं जो हम लोग मोटर के हॉल सेंसर के कनेक्शन में करते हैं इसके बाद आपका कंट्रोलर का कनेक्शन होता है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है वायरिंग करते वक्त हमेशा प्रोटेक्टिव ग्लोव का इस्तेमाल करें साथ ही में वायरस को कभी भी इंसुलेट करें इसका कनेक्शन सबसे पहले बेसिक कनेक्शन के साथ करें और सबसे पहली बात जब भी आपका पूरा कनेक्शन हो जाता है फिर से एक बार उसको रेफर करिए और तभी बैटरी को जाके कनेक्ट कर दीजिए तो दोस्तों इस तरह से कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो आपको लेने काफ़ी ज़रूरी होते हैं यह आपके सेफ्टी के लिए भी होते हैं और साथ ही साथ कंट्रोलर के और आपके हब मोटर के सेफ्टी के लिए होते हैं क्योंकि एक भी कनेक्शन आपका अगर गलत हो जाता है तो आप तो आपका कंट्रोलर ख़राब हो जाएगा या आपका मोटर ख़राब हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से अभी हमने काफ़ी सारी जानकारी ले ली है हर एक कंपोनेंट का क्या काम होता है कैसे वो फंक्शन करता है हर एक वायर का क्या मतलब होता है तो ये सब हमने इस वीडियो में सीख लिया है और हमने पहले के वीडियो में देखा था कि कंपोनेंट्स कौन से कौन से होते हैं और उनके फंक्शन के बारे में देखा था अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें ताकि आपका लिंक बना रहे और इसके आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आप बाइसिकल को इलेक्ट्रिक बाइसाइकल में कन्वर्ट कर सकते हो ये हमारा प्रैक्टिकल वीडियो रहने वाला है इसलिए चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ धन्यवाद